हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं कामरान अली और मैं हूं अतीक अहमद। आप देख रहे हैं कामरान अली यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल थोड़ा सा मुश्किल है। पहला वर्ड है मिजोरम। आउटशाइंस अदर इंडियन स्टेट्स द वीडियो दैट वॉन्ट वायरल। और ये वीडियो ली गई है नॉर्थ ईस्ट होराइजन चैनल से। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी खूबसूरत वीडियोस बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो है उनको फॉलो करने के साथ साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिक्वेस्ट के चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें यार। आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं यार। थोड़ा सा चलेंगे, चलें आप शुरू करें वीडियो। चलेंगे Mizoram outshine other states during COVID crisis. Mizoram, one of the smallest states in the country, has taught and trained its citizens to walk the talk of their faith. Among all the 8 northeastern states of India, Mizoram have shown a great example to the rest of the states. The small state is a complete Christian state and they exhibit the perfect Christian life, the teaching of Jesus Christ. The humanitarian act came into the spotlight when they distributed their food packages to the flood-affected people on their way back home. We are really proud of our Mizo brothers and sisters who has shown great humanity. Their selfless act has won the heart of so many people in the country. Mizoram returnees also donated their savings to the community organizations. Upon arrival at Bairabi railway station, Mizo returnees from Goa pulled together their savings and contributed rupees 54,140 to community organizations of Bairabi. Despite the hardship, they chose to give back to the society. They said, "People have been working hard selflessly in providing all necessary help to stranded arrival at the station. That is the least I can give back as a sign of gratitude." That is not the end of the story. Back home in Mizoram, the public exhibits the highest degree of discipline. During the first and second phase of lockdown, when the country was in chaos and fear, Mizo public adhered strictly to the quarantine rules. It is the only state where force was not needed to keep people inside. The only force in duty is the local task force along with the biggest NGOs called YMA, which stands for Young Mizo Association. The youth of Mizo voluntarily assist in taking care of their returnees, brothers and sisters. Moments like this can showcase what humanity is all about and inspire others to do the same. Colorful guy. यार एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव है यार, एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव। मतलब यार क्या बोलेंगे उसको कि एहसास ज़िम्मेदारी इस हद तक कि यार ये जब लॉकडाउन हुआ वहाँ पे, वो कह रहे हैं कि पहले और दूसरे दोनों फेजेस में वहाँ फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना नहीं पड़ा। डिसिप्लिन जगह है वहां पर, यानी कि डिसिप्लिन का वजह खाली। और ज्यादातर उन्होंने ये बताया कि ज्यादातर आबादी जो वो क्रिश्चियन की है वहां पे, क्रिश्चियन की है, हाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा है। और दूसरी बात ये उन्होंने बताया कि जैसे फ्लड आया हुआ था और रेलवे लाइन पे ऊपर लोग बैठे थे, जो ट्रेन वहां जा रही थी उनके साथ 1000 का डोनेशन, हाँ, तो वो लोग जो ना उनको खाने पीने के अशिया वगैरह पैकेट्स वगैरह वो दे रहे थे। ये बहुत अच्छी चीज है किसी भी हवाले से किसी की हेल्प करना, मदद करना, क्योंकि हालात कुछ ऐसे होते हैं, चाहे वो
यानी कि फ्लड हो या कोरोना के हालात में भी कोई ऐसे देश हैं गरीब जहाँ पे ये चीजें मुश्किल होती हैं तो वहां पे भी लोग हेल्प करते हैं। मैं तो इस वीडियो को देख के ये कहना चाहूंगा कि वो कहते हैं ना कि किसी भी धर्म से बड़ी भी बड़ी इंसानियत होती है, बिल्कुल ठीक है, और उसकी जिंदा और सबसे आला मिसाल मैंने यहाँ इस वीडियो में देखी, बिल्कुल। और मैं अपनी तरफ से भाई दिल की गहराइयों से थैंक्स करना चाहते हैं, थैंक्स भी, अप्रिशिएट भी और सलूट भी करना चाहूंगा कि यार ये बिल्कुल जो है ना प्राइसलेस चीज है, बिल्कुल ऐसा ही है। और देखो जो जगह थी ना वो बहुत ही साफ सुथरी थी, क्लीन थी। और हमने कुछ एक इससे पहले वीडियो शायद की है अभी हाल ही में ना, जिसमें हाँ। बता रहे थे लिटरेसी रेट 97% है, ठीक है, तो वो बात मैंने उसमें भी की थी, यहाँ भी की थी कि देखो वही बात है कि तालीम याफ्ता इंसान के पास शऊर, हाँ, तो जहाँ पे शऊर होता है ना वहाँ पे जो है वो सोसाइटी का ख्याल, लोगों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का ख्याल। हाँ, सबसे अच्छी बात जो आपने वही पहले कही ना हम लोगों ने किया, देखिए वहाँ पे देखें ऐसी जगह है वहाँ पे फोर्स की तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी है, तो आप इस जगह वहाँ के लोग जो रहते हैं वहाँ कितने डिसिप्लिन में रहते होंगे या कितना एक दूसरे का ख्याल करते हैं, यानी कि उस चीज को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, उसको एक चीज संजीदा ले रहे हैं यार ये प्रॉब्लम है। तो ये चीजें बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि ओवरऑल हमें ये नहीं कहता किसी और जगह इंडिया के शहर में या पाकिस्तान में ले लें, लोग इस तरह का नहीं करते हैं, वहां पे ऐसा होता है लोग घूम रहे होते हैं ना मास्क पहना होता है ना कुछ होता है, तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, काउंट करती हैं इन चीजों में इस उसको देखने के लिए जो हमारे पास ये बात चल रही है। तो गाइस बस इसी दुआ के साथ कि ये जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं दुनिया में जल्द से जल्द खत्म हो, कारोबारी सरगर्मियां दोबारा से वापस रिवाइव हों, और इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें प्लीज। तो हमें इजाजत दें, अगली वीडियो में अगली रिएक्शन में आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बाय बाय, गुड बाय।